नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, वैलिडिटी एंड इनवैलिडिटी। अगेन डिफिकल्ट भी है और सिंपल भी है, कॉम्प्लेक्स भी है और क्लैरिफाइंग भी है, लेकिन इनिशियली यूजुअली पीपल विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज नोशंस। क्या है वैलिडिटी? सबसे पहले इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। वैलिडिटी या इनवैलिडिटी दोनों ही जो है, जैसे अभी हमने बात करी है, इट इज रिलेटेड टू डिडक्टिव लॉजिक या डिडक्टिव रीजनिंग, है ना। तो ये डिडक्टिव लॉजिक के पेरिफेरल में आएंगे या इंडक्टिव लॉजिक के पेरिफेरल में नहीं आएंगे। दूसरा चीज, वैलिडिटी आर्ग्यूमेंट की होगी या फिर स्टेटमेंट का होगा? कोई मुझे बता सकता है वेदर एन आर्ग्यूमेंट इज वैलिड और इनवैलिड और वेदर इज अ स्टेटमेंट इज वैलिड और इनवैलिड? एनी स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वैलिड या इनवैलिड होगा। आर्ग्यूमेंट क्या होगा? ट्रू या फॉल्स? इसका जस्ट ऑपोजिट ट्रू है। जो स्टेटमेंट्स होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ये ट्रू या फॉल्स होंगे। आर्ग्यूमेंट ऑन द अदर हैंड जो है, ये वैलिड या इनवैलिड होगा। अच्छा, अगेन देयर इज नथिंग सैक्रोसैंक्ट अबाउट इट। यूजुअली लॉजिक में जब डिस्कशन होता है तो हम आर्ग्यूमेंट के वैलिडिटी या इनवैलिडिटी के बारे में बात करते हैं और स्टेटमेंट के ट्रुथ या फॉल्सिटी के बारे में बात करते हैं। क्योंकि देखिए, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो होंगे वो ईदर ट्रू और फॉल्स होंगे, है ना। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो होंगे वो कैसे होंगे? स्टेटमेंट्स होंगे या प्रपोजिशंस होंगे, वो असर्ट करेंगे या डिनाई करेंगे, तो उनकी ट्रुथ या फॉल्सिटी के बारे में हम बात करते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑन द अदर हैंड जो है, उसके वैलिडिटी या इनवैलिडिटी के बारे में बात करते हैं। तो ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, अब जो वैलिडिटी की डेफिनेशन है वो तो बहुत सिंपल है, लेकिन जो उसकी मीनिंग है वो उतनी सिंपल नहीं। एंड दिस इज द प्रॉब्लम। इनफैक्ट आप लॉजिक के कोर्स में करीब करीब मिड सेम तक पहुंचते पहुंचते वैलिडिटी के मीनिंग को पूरी तरीके से, जिसे कहना चाहिए, कॉम्प्रीहेंड कर पाएंगे। व्हाई आई एम सेइंग दिस, चलिए, तो जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होते होते थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि राइट नाउ यू डू नॉट हैव द मींस टू अंडरस्टैंड वैलिडिटी कंप्लीटली, क्योंकि अभी आप सिंबॉलिक लॉजिक के बारे में नहीं जानते, सिंबॉलिक लॉजिक के ऑपरेशंस के बारे में नहीं जानते, टॉटलॉजी कॉन्ट्राडिक्शंस एंड कंटिजेंट प्रोपोजिशंस को किस तरीके से वर्कआउट करते हैं इसको नहीं जानते हैं, अभी हमने आपको ट्रुथ टेबल्स भी नहीं पढ़ाया है, तो यू विल टेक सम टाइम, है ना। रूल्स ऑफ इन्फरेंस, रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनल प्रूफ्स एंड सारी चीजें को जब आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होने लगेगी। बट फॉर द टाइम बीइंग अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज वैलिडिटी, तो एक सिंपल आंसर तो आ सकता है, जिस आंसर को मैं थोड़ी देर के बाद आज, क्योंकि दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लास टुडे, दैट वी विल अंडरस्टैंड और वी विल हैव सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैलिडिटी। पर पहले जरा उस चीज को समझने के लिए इसको देखिए, हाँ, ये चार स्टेटमेंट्स हैं आपके पास, ये चारों स्टेटमेंट्स के आंसर्स मुझे बताइएगा कि इनके आंसर्स ट्रू हैं कि फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट, ओनली अ वैलिड आर्ग्यूमेंट हैज ट्रू प्रेमाइसेस एंड ट्रू कंक्लूजन, ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट है। मैं चारों स्टेटमेंट्स अच्छे से पढ़ लेता हूं, आप भी सुन लो अच्छे से, देख भी सकते हैं, उसके बाद मुझे बताइएगा कि आप लोगों के आंसर्स क्या है। दूसरा स्टेटमेंट है, अ वैलिड आर्ग्यूमेंट कैन हैव ट्रू प्रेमाइसेस एंड फॉल्स कंक्लूजन। तीसरा स्टेटमेंट, ए वैलिड आर्ग्यूमेंट कैन नॉट हैव फॉल्स प्रेमाइसेस एंड ट्रू कंक्लूजन। और चौथा स्टेटमेंट है, ए वैलिड आर्ग्यूमेंट कैन नॉट हैव फॉल्स प्रेमाइसेस एंड फॉल्स कंक्लूजन। ठीक है, ये चार स्टेटमेंट्स हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, ओनली ए वैलिड आर्ग्यूमेंट हैज True premises and true conclusion. क्या ये statement true है? कोई मुझे बताएगा? Am I audible? Yes, sir. अच्छा, तो एक काम करते हैं कि hand raise करवा लेते हैं, है ना? वो एक अच्छा technique है जिसके through पता चल जाता है. Okay. So first statement के लिए मैं पूछ रहा हूं, जिसमें कि first statement था, ओनली अ वैलिड आर्ग्यूमेंट हैज ट्रू प्रेमाइसेस एंड ट्रू कंक्लूजन, मतलब वैलिड आर्ग्यूमेंट का ही सिर्फ हो सकता है, इनवैलिड आर्ग्यूमेंट का नहीं हो सकता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, बताइए।
बताएं। फॉल्स फॉल्स है। क्यों फॉल्स लग रहा है आपको? इनवैलिड आर्गुमेंट का भी जो है प्रेमाइसेस और कंक्लूजन ट्रू हो सकता है, ऐसा कुछ कह रहे हो आप? सभी ट्रू प्रेमिसेस नहीं हो सकते। नहीं, वो तो आपने अच्छा बोला है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि वैलिड आर्गुमेंट का नहीं इनवैलिड आर्गुमेंट का भी, इसका मतलब यही होगा कि वैलिड आर्गुमेंट नहीं इनवैलिड आर्गुमेंट का भी जो है प्रेमाइसेस और कंक्लूजन दोनों ट्रू हो सकता है। दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से विद दिस, अगर आप इसको कहते हो फॉल्स है तो। डिफिकल्ट है। अच्छा चलो, लेट अस गो टू द सेकंड वन। ए वैलिड आर्गुमेंट कैन हैव ट्रू प्रेमाइसेस एंड फॉल्स कंक्लूजन। ये हो सकता है कि एक वैलिड आर्गुमेंट है उसके ट्रू प्रेमाइसेस हैं और फॉल्स कंक्लूजन, ऐसा हो सकता है? हाउ मेनी ऑफ यू विल से दैट इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट? रेज योर हैंड। एक बच्चे ने उठाया हाथ ओनली, एक दो ने और उठाया। बहुत कम लोगों ने हाथ उठाया है। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू विल से इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट? बाकी लोग हाथ नीचे कर लीजिए। हाउ मेनी ऑफ यू विल से दैट इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट? ओनली वन स्टूडेंट। टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, थोड़े ज्यादा लोग उठा रहे हैं पीछे वाले से, है ना? ओके ओके ओके, गेट योर हैंड्स डाउन। अच्छा चलिए, तीसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। अ वैलिड आर्ग्यूमेंट कैन नॉट हैव फॉल्स प्रेमाइसेस एंड ट्रू कंक्लूजन। वैलिड आर्ग्यूमेंट का जो है ट्रू प्रेमाइस फॉल्स प्रेमाइसेस और ट्रू कंक्लूजन नहीं हो सकता है। हाउ मेनी ऑफ यू विल रेज हैंड फॉर इट्स ट्रूथ? देखता हूं। और हाउ मेनी ऑफ यू विल रेज देयर हैंड्स फॉर इट्स फॉल्सिटी? ये भी देख सकते हैं। डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। अच्छा एक और स्टेटमेंट देख लेते हैं। अ वैलिड आर्ग्यूमेंट कैन नॉट हैव फॉल्स प्रेमाइसेस एंड फॉल्स कंक्लूजन। इट मे बी ओके, अच्छी बात है। एटलीस्ट यू पीपल आर ट्राइंग एंड दिस इज द बेस्ट थिंग विच आई वॉन्ट। देखिए, पता है पढ़ाई लिखाई में या किसी भी चीज में, स्पोर्ट्स में, रिसर्च में, कोई भी चीज, क्रिएटिविटी में, अपने स्टार्टअप के लिए, अपनी नौकरी में, कुछ भी कर रहे हो ना, वहां पे एक कोशिश करते रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। कोशिशें कहीं ना कहीं जाके आपको आंसर्स देती है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। क्या कोई एक आर्ग्यूमेंट है जो कि वैलिड है सर्टेन केस में और इनवैलिड है सर्टेन केस में, ऐसा हो सकता है? कैन इट बी द केस? कि एक आर्ग्यूमेंट है वो वैलिड है और किसी केस में इनवैलिड भी हो जाता है, या इनवैलिड है फिर उसको हम वैलिड भी बना सकते हैं। यस सर। यस सर। यस सर। ओके चलिए। अच्छा सबसे पहले देखते हैं, आप इन इस स्टेटमेंट को देखते हैं, ठीक है? ओनली अ वैलिड आर्ग्यूमेंट हैज ट्रू प्रेमाइसेस एंड फॉल्स ट्रू कंक्लूजन। नाउ दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट इसलिए है क्योंकि वैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं इनवैलिड आर्ग्यूमेंट के भी ट्रू प्रेमाइसेस एंड ट्रू कंक्लूजन हो सकते हैं। वैलिड के तो हो ही सकते हैं, इनवैलिड के भी हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था, ए वैलिड आर्ग्यूमेंट कैन हैव ट्रू प्रेमाइसेस एंड फॉल्स कंक्लूजन। फॉल्स है, वैलिड आर्ग्यूमेंट का ट्रू प्रेमाइस और फॉल्स कंक्लूजन नहीं हो सकता, नहीं तो फिर वो ट्रूथ प्रिजर्वेशन प्रिंसिपल नहीं बचेगा, है ना? हमने ट्रूथ प्रिजर्वेशन प्रिंसिपल में क्या बोला था आपको, कि अगर एक आर्ग्यूमेंट है और वो उसके प्रेमाइसिस ट्रू हैं, तो इट प्रोवाइड्स एब्सोल्यूट कंक्लूसिव ग्राउंड्स फॉर द कंक्लूजन टू बी ट्रू, तो ट्रूथ प्रिजर्व करेगा, तो ट्रू प्रेमाइसिस के बाद फॉल्स कंक्लूजन नहीं हो सकता। अच्छा तीसरा, ए वैलिड आर्ग्यूमेंट कैन नॉट हैव फॉल्स प्रेमाइसिस एंड ट्रू कंक्लूजन। क्यों नहीं? बिल्कुल
भाई उसके फॉल्स प्रेमाइसिस और ट्रू कंक्लूजन भी हो सकते हैं। वैलिड आर्गुमेंट का जो है फॉल्स प्रेमाइसिस और ट्रू कंक्लूजन भी हो सकता है, वैलिड आर्गुमेंट का फॉल्स प्रेमाइसिस एंड फॉल्स कंक्लूजन भी हो सकता है। तो आप अगर देखो तो ये चारों स्टेटमेंट, हाँ एग्जाम्पल्स देंगे, बिल्कुल देंगे आपको, और आप इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हो, लेकिन मैं अभी आपको जो है थ्योरेटिकली ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आते हैं जो कि बहुत बेसिक डेफिनेशन है उसको समझने के बाद एग्जाम्पल्स पे भी आते हैं। देखिए, एन आर्ग्यूमेंट इज सेड टू बी वैलिड इफ देयर इज नो पॉसिबल सिचुएशन, इसको आगे चल के हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहेंगे सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंस, ठीक है, देयर इज नो पॉसिबल सिचुएशन या फिर सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंस इन विच द प्रीमाइसेस आर ट्रू एंड कंक्लूजन फॉल्स। मतलब कि एक वैलिड आर्ग्यूमेंट अगर है तो उसका कभी भी कोई भी सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंस नहीं बन सकता, कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं बन सकता जबकि उसके प्रेमाइसेस ट्रू हो जाएं और कंक्लूजन फॉल्स हो जाए। इसका मतलब मैं आपको एक चीज और बता दूं जो कि कोरोलरी में आप याद रखना, एक आर्ग्यूमेंट अगर वैलिड है तो वो इनवैलिड नहीं होगा कभी भी। लेकिन कंफ्यूजिंग चीज ये है कि मतलब अगर एक आर्ग्यूमेंट वैलिड है ना, उसमें कितना भी तोड़ मरोड़ करोगे, उसमें कितने भी प्रेमाइसेस ऐड वैड कर लो, हाँ वो आर्ग्यूमेंट हमेशा वैलिड रहेगा, इनवैलिड नहीं कर पाओगे। लेकिन इनवैलिड आर्ग्यूमेंट का ये है कि इनवैलिड आर्ग्यूमेंट में आप प्रेमाइसेस ऐसे ऐड कर सकते हो जिससे कि उसके आर्ग्यूमेंट का नेचर वैलिड बन जाए, ये हो सकता। तो ये एक बहुत मजेदार बात, इन सब चीजों के एग्जाम्पल्स दूंगा, एक एक चीज करके बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा, आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि आई एम ट्राइंग टू कंफ्यूज यू और आई एम ट्राइंग टू इग्नाइट यू, सेंसिटाइज यू विद सर्टेन काइंड ऑफ थिंग्स जो कि हम यूजुअली नहीं सोचते हैं या नहीं सोच पाते हैं, ठीक है ना। एंड लॉजिक इज नॉट अ वेरी नेचुरल सब्जेक्ट, इट नेवर कम्स वेरी नेचुरली टू अस, वी हैव टू लर्न, वी हैव टू ट्रेन, this is the most important thing, and therefore I am trying to give you all such kind of things which may make you, you know, raise your eyebrow, hai na, hum thoda sa confused honge, thoda sa tense honge ki there is something, kuch gadbad ho raha hai, kuch galat bol rahe hain ye, hai na, and something like that, but it is all going to be or all is going to come true as and when we will be going ahead with the course. अच्छा देखिए, इट ओनली स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर द प्रेमाइसिस टू बी ट्रू एंड द कंक्लूजन टू बी फॉल्स, ठीक है, एंड इट इज बेसिकली अ ट्रुथ प्रिजर्वेशन प्रिंसिपल जो कि मैं आपको बता ही चुका हूं। ये है वो चार्ट जो आपको याद होना चाहिए, हालांकि मैं ये अपलोड भी कर दूंगा, आप चाहें तो स्क्रीन शॉट भी ले लीजिए, ठीक है। इफ इन एन आर्ग्यूमेंट द प्रेमाइसिस आर ट्रू, ठीक है, एंड द कंक्लूजन इज ट्रू, तो आर्ग्यूमेंट कैसा होगा, किसी ने आपसे पूछा, आप बोल सकते हो कि वैलिड भी हो सकता है, इनवैलिड भी हो सकता है। अगर प्रेमाइसिस ट्रू है और कंक्लूजन फॉल्स है तो आर्ग्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ इनवैलिड हो सकता है। अगर प्रेमाइसिस फॉल्स है और कंक्लूजन ट्रू है तो आर्ग्यूमेंट अगेन वैलिड या इनवैलिड हो सकता है। अगर प्रेमाइसिस फॉल्स है और कंक्लूजन भी फॉल्स है तो भी आर्ग्यूमेंट वैलिड या इनवैलिड हो सकता है। इसका मतलब क्या है, आर्ग्यूमेंट किसी भी केस में इनवैलिड हो सकता है, लेकिन वैलिड होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन होती है, और वो कंडीशन क्या होती है, वो कंडीशन ये होती है कि इम्पॉसिबिलिटी हो जब टू मेक द प्रेमाइसिस ट्रू एंड कंक्लूजन फॉल्स। देखिए, प्रेमाइसिस अगर ट्रू है, अगर आप ये वाला केस देखो, सेकेंड वाला केस देखो, यहां पर प्रेमाइसिस ट्रू है तो आप और कंक्लूजन फॉल्स है तो ही जो है ये आर्ग्यूमेंट आप 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं ये तो इनवैलिड है, बाकी किसी भी केस में वैलिड हो सकता है। तो अब वैलिड कैसे होगा, इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसके लिए पुराने जमाने में एक टेक्निक भी यूज की जाती थी, अभी थोड़ी देर में बताता हूं मैं आपको, उसको कहते थे काउंटर एग्जाम्पल टेक्निक। जब पहले लॉजिक इतना डिफाइंड, इतना वर्कड आउट या इतना डेवलप्ड नहीं था तो लोग क्या करते थे, काउंटर एग्जाम्पल टेक्निक यूज करते थे, काउंटर करते थे। जैसे हम कहते हैं ना, यार डू नॉट काउंटर माय आर्गुमेंट, और व्हाट इज योर काउंटर आर्गुमेंट, इसका मतलब क्या होता है कि हम किसी के आर्गुमेंट को रिफ्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू प्रूव इट रॉन्ग, ठीक है ना। और उसको रॉन्ग प्रूव करने का तरीका क्या होता है, कभी एग्जांपल्स यूज करते हैं, कभी एनालॉजीज यूज करते हैं, या आगे चल के लेटर ऑन स्ट्रक्चर को सेम रख के उसकी वैल्यूज को चेंज करके देखते हैं, ठीक है ना। तो हम ये सारी चीजों को जो है थोड़ा सा पढ़ के लिख के समझ के देखने की कोशिश करेंगे। काउंटर एग्जाम्पल टेक्निक क्या है, इन काउंटर एग्जाम्पल टेक्निक
वी रिटेन द स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्ग्यूमेंट एंड ट्राई टू, ये बहुत मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग है, पुराने जमाने में तो एग्जाम्पल से ही बात हो जाती थी। आपने देखा होगा आज भी बुद्धिस्ट लोग जो हैं एक दूसरे के साथ जब आर्ग्यू करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो देखना एक नीचे बैठा होगा, दूसरा ऊपर खड़ा होगा, ठीक है, और वो ऐसे करके हाथ में हाथ मार के ऐसे करके वो कोई चीज बोलते हैं और सामने वाला उसको सुनता है, फिर सामने वाला कुछ बोलता है, फिर ये अपना आर्ग्यूमेंट फॉर्म करता है, फिर आके वो ऐसे करके करता है। आप कभी देखना बुद्धिस्ट आर्ग्यूमेंटेशन टेक्निक, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे और भी इधर उधर आपको मिल जाएंगे, फोटोज मिल जाएंगे, बड़ा मजेदार तरीका होता था। तो वो एक ओल्ड जनरेशन का तरीका था जिसमें कि क्या करते थे, अभी तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं और बहुत सारे टेक्निक्स हैं, मैथमेटिकल लॉजिक बहुत डेवलप हो चुकी है, सिंबॉलिक लॉजिक बहुत डेवलप हो चुकी है, सो वी हैव सिंबल्स और अभी हम वो सारी चीजें करेंगे इस कोर्स में, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि पहले लोग क्या करते थे। तो कोशिश क्या करते थे ये कि स्ट्रक्चर जो है आर्ग्यूमेंट का, भाई आपने एक आर्ग्यूमेंट दिया उसका स्ट्रक्चर सबसे पहले समझा, स्ट्रक्चर को जब समझ लिया तो स्ट्रक्चर को मेंटेन किया, रिटेन किया, लेकिन उसकी वैल्यूज चेंज करके देखी, क्या वैल्यूज चेंज करने पे प्रेमाइसिस को ट्रू और कंक्लूजन को फॉल्स बनाया जा सकता है। इफ यू कैन मेक द प्रेमाइसिस ट्रू एंड द कंक्लूजन फॉल्स, द आर्ग्यूमेंट इज गोइंग टू बी इनवैलिड। तो आपने कोई आर्ग्यूमेंट दिया, मुझे अच्छा लग रहा है सुनने में, और आपने बोला कि ये वैलिड है, तो मैं देखूंगा कि कोई एग्जाम्पल ऐसा है जिसके द्वारा आपके ही आर्ग्यूमेंट को उसके स्ट्रक्चर को रिटेन करते हुए उसके प्रेमाइसिस को ट्रू लेकिन कंक्लूजन को फॉल्स बनाया जा सकता है। जैसे कल आप लोगों ने एक आर्ग्यूमेंट देखा था वो इफ इट रेन्स देन द ग्राउंड इज वेट वाले में, तो उसमें बहुत सारे बच्चों को या कुछ बच्चों को मेरे ख्याल से थोड़ा सा ऐसा हुआ था कि नहीं ये तो नहीं होगा, है ना, आप में से किसी ने जो है कुछ बोला भी था उस पे और यू हैव कम आउट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर देयर। मैंने बोला था कि चलो ठीक है इसको आके देखते हैं, आज मैं उस चीज के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। तो ये तो हो गया, लेकिन अगर काउंटर एग्जाम्पल टेक्निक में ये एक उसकी शॉर्टकमिंग भी कह सकते हो और एक तरीके से उसकी वैलिडिटी को प्रूव करने का तरीका भी बोल सकते हो कि इफ इट इज इम्पॉसिबल टू प्रूव और टू सब्स्टिट्यूट वैल्यूज सो दैट द प्रेमाइसिस बिकम ट्रू एंड द कंक्लूजन फॉल्स, तो आर्ग्यूमेंट को वैलिड मान लेना पड़ता है ना, दिस इज द आइडिया या दिस इज द थिंग। आज तो हमारे पास प्रूफ हम प्रूफ बना के दिखा सकते हैं, पर पहले अगर आप कोई एग्जाम्पल नहीं बना पाए, जैसे इफ यू आर नॉट अ गुड लॉजिशियन या इफ यू आर नॉट वेरी गुड एट आर्ग्यूमेंटेशन, तो आप जो है आर्ग्यूमेंट नहीं बना पाए तो दूसरे वाले का आर्ग्यूमेंट जो है वैलिड प्रूफ हो जाता, लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज तो जरूरत नहीं है, आज तो मशीन ही सारा काम कर देती है, लेकिन अगेन इट वॉज बेसिकली कमिंग फ्रॉम ह्यूमन माइंड, उसी ने जो है सिंबल्स और सारी चीजें सिखाई और बनाई। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, जो अभी आप बहुत सारी चीजें बोल रहे थे ना, ऐसे कैसे होगा, वैसे कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ऐसे तो आप सर्च कर सकते हो इंटरनेट पे, तो मैं जो चीजें इंटरनेट पे इजीली मिल जाती है उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, वो आप इंटरनेट से भी देख सकते हैं, जो नहीं मिलती है वो हम कोशिश करते हैं बताने की। जैसे क्वेश्चन क्या है, ये वाला आपके बुक में भी एग्जाम्पल है, इफ आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देन आई एम फेमस, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, है ना, कोई भी आई मतलब कोई भी आप में से किसी को भी ले लीजिए, मुझे भी ले लीजिए, आपने आपको ले लीजिए, हम में से कोई भी फेमस नहीं है ना, आप इस क्लास के पहले मुझे नहीं जानते थे, मैं आपको नहीं जानता, या अगर आप मुझे जानते हैं मैं आपको जानता हूं, इससे भी हम फेमस तो हो नहीं जाते, हम में से कोई भी मुझे नहीं लगता कि कोई फेमस है, मुझे पता नहीं आपकी क्लास में कोई टिकटॉक स्टार या कोई यूट्यूबियन या कोई इस तरीके का बंदा है क्या, मुझे पता नहीं, बट मुझे जितना पता है कि नहीं है, या एटलीस्ट मैं नहीं जानता, बट अगर हम में से कोई भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता तो हम जरूर फेमस होते, ये सच्ची बात है, फेमस होने का मतलब है पीपल मस्ट हैव नोन अस, ठीक है, एंड आई एम नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये चीज भी ट्रू है, ठीक है, देयरफॉर आई एम नॉट फेमस, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। अब ये तीनों स्टेटमेंट ट्रू है, ये आर्ग्यूमेंट वैलिड है, कोई बताओ भाई, किसी ने कुछ बोला, मैं सुन नहीं पाया ढंग से, फिर से बोलेंगे, नो सर दिस इज इनवैलिड आर्ग्यूमेंट, इनवैलिड है सर, क्यों है इनवैलिड, या कोई वैलिड कह रहा है क्या, इनवैलिड अभी भी आपने बोला कि हम में से कोई टिकटॉक स्टार होता तो मे बी वो फेमस होता, देन तब भी प्रेसिडेंट नहीं होता और फेमस होता, अच्छा प्रेसिडेंट नहीं होता पर फिर भी होता, अच्छा वेरी नाइस, तो अगर टिकटॉक स्टार होता या कुछ होता तो अच्छा, तो टिकटॉक तक जाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए ये वाला आर्ग्यूमेंट और ये वाला आर्ग्यूमेंट एग्जैक्टली सेम आर्ग्यूमेंट है, अगर आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन में,
आई एम जस्ट चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ आई एम टू एस आर के इज, देख लीजिए, और एस आर के यहाँ पे रेफर्स टू शाहरुख खान, कोई और भी एस आर के हो सकते हैं. तो इफ एस आर के वुड हैव बीन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो भी वो एस आर के फेमस होता, और एस आर के इज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये भी हम जानते हैं, लेकिन एस आर के इज नॉट फेमस इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. तो आप देख लो कि ये और ये प्रेमाइसिस दोनों तो ट्रू बन गए, लेकिन कॉन्क्लूजन फॉल्स बन गया. सो विद द हेल्प ऑफ काउंटर एग्जाम्पल टेक्निक वी आर एबल टू डेवलप द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस इनटू दिस. ये है काउंटर एग्जाम्पल, जहां पे कि आपने एग्जाम्पल दिया था, किसी ने बोला ये है, और आपने जो है उसको रिप्लेस किया रिटेनिंग द सेम स्ट्रक्चर, सिर्फ वैल्यूज चेंज की. और जैसी वैल्यू चेंज की आपने देखा कि प्रेमाइसिस तो ट्रू बना सकते हो, लेकिन फिर भी कॉन्क्लूजन फॉल्स होगा. एसआर के प्रेसिडेंट बन जाए अगर आगे चल के, तो ऐसा नहीं होगा कि वो फेमस नहीं होंगे, फेमस रहेंगे. और एसआर के जो है प्रेसिडेंट नहीं है, ये भी बात सही है, लेकिन एसआर के फेमस नहीं है, ये बात गलत. तो इवन इफ द प्रेमाइसिस आर ट्रू, द कंक्लूजन इज फॉल्स. इन केस यू आर नॉट अ फैन ऑफ एसआर के, आप इसको सलमान खान या ऋतिक रोशन या किसी भी सेलिब्रिटीज के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं. ये किसी भी नोन पर्सन के साथ जो कि फेमस है उसको कन्वर्ट करके देख लीजिए, तो यू विल सी दैट दिस आर्ग्यूमेंट फॉर्म. अब देखिए, मैं आई वाज नॉट प्लानिंग टू कम आउट विद दिस वर्ड, बट स्टिल आई वांटेड और आई हैव सेड, ये जो फॉर्म है ना, स्ट्रक्चर है ना, ये इंपॉर्टेंट है वैलिडेशन, वैलिडिटी के लिए. वैलिड आर्ग्यूमेंट उसके मीनिंग के कारण या उसके जिसे मुझे कहना चाहिए कि सेमेंटिक्स के कारण नहीं होता, उसके सिंटैक्स के कारण होता है. एक्चुअली सिंटैक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर. तो जब जब आप स्ट्रक्चर रोबस्ट बनाएंगे, अच्छा स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो आप देखोगे कि वो आर्ग्यूमेंट हमेशा वैलिड रहेगा. और जब आपका स्ट्रक्चर वीक है, तो आप शो कर सकते हो कि इसमें इनवैलिडिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना. तो दैट इज द आइडिया विच आई वॉन्टेड टू गिव यू विद द हेल्प ऑफ दीज टू एग्जाम्पल्स. अब इसके साथ साथ एक नोशन और आता है जो कि हम लोग लॉजिक में डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड साउंडनेस. नाउ व्हाट इज साउंडनेस, ठीक है. साउंडनेस क्या होता है कि एक आर्ग्यूमेंट को साउंड कब कहा जाता है, जब ये तीन कंडीशंस सेटिस्फाई करता है. आर्ग्यूमेंट को वैलिड होना पड़ेगा, प्रेमाइसिस को ट्रू होना पड़ेगा, और कंक्लूजन को भी ट्रू होना पड़ेगा. जैसे मैंने आपको बताया ना अभी आगे चल के पीछे कि एक वैलिड आर्ग्यूमेंट में प्रेमाइसिस और कंक्लूजन दोनों फॉल्स भी हो सकते हैं, या प्रेमाइसिस फॉल्स और कंक्लूजन ट्रू भी हो सकता है. ये दोनों केसेस भी थे, अगर आप केस नंबर 3 और केस नंबर 4 देखें, जिस स्लाइड का मैंने स्क्रीनशॉट देने के लिए कहा था, हालांकि मैं ये अपलोड कर दूंगा वीडियो. तो द आइडिया इज कि वैलिडिटी तो बहुत सारे फॉर्म में आती है, उसमें से एक टिपिकल केस जो फर्स्ट वाला या ऊपर वाला केस है, जिसमें कि आर्ग्यूमेंट वैलिड है, प्रेमाइसिस ट्रू है और कंक्लूजन ट्रू है, तो फिर जो है उस आर्ग्यूमेंट को हम साउंड आर्ग्यूमेंट कहते हैं, ठीक है. अब मजेदार बात क्या है कि अगर आप तीन कंडीशन के जगह दो कंडीशन लिखेंगे तो भी साउंडनेस की डेफिनेशन, जैसे कि किसी बच्चे ने ये वाला डेफिनेशन लिखा साउंडनेस का, तीन नंबर का क्वेश्चन था, तीन नंबर मिले, अगर ये वाला लिखा तो उसको कितने नंबर मिलने चाहिए बताओ. भाई खड़ूस टीचर एक नंबर काट देंगे ना, बोलेंगे नहीं दो नंबर देंगे, क्योंकि इसने दो कंडीशन लिखी है, तीन कंडीशन नहीं लिखी है ना. ऊपर लिख भी रहा है कि थ्री कंडीशन सेटिस्फाई करेगा और लिख दो रहा है, तो दो नंबर देने चाहिए, क्योंकि इसमें तो इस बच्चे ने पूरी मेहनत करके एकदम रट पीट के याद करके तीनों कंडीशन लिख दी, इसके तीन नंबर है. हालांकि आजकल कोई रट नहीं रहा है, आजकल सारी चीजें कॉपी करके लिख रहे हैं, बट फिर भी इस वाले क्वेश्चन में तीन नंबर, इस वाले क्वेश्चन में दो नंबर, सही है कि नहीं सर. ऊपर वाला दो वैलिड हो गया, तीसरा अपने आप वैलिड हो जाएगा, तो नंबर नहीं वैलिड नहीं होगा, ट्रू हो जाएगा. अगर आर्ग्यूमेंट वैलिड है और प्रेमाइस ट्रू है, तो कंक्लूजन को ट्रू होना पड़ेगा, दैट इज डेफिनेशन ऑफ वैलिडिटी. तो चाहे आप ये डेफिनेशन लिखो, चाहे आप ये डेफिनेशन लिखो, दोनों में ही तीन में से तीन आएंगे, ठीक है ना. तो अंडरस्टैंडिंग क्या है कि अगर आर्ग्यूमेंट वैलिड है और प्रेमाइस ट्रू है, तो कंक्लूजन तो ट्रू होगा ही. अगर आर्ग्यूमेंट वैलिड नहीं होता तो फिर बात अलग होती. यहाँ पे आपने आर्ग्यूमेंट को वैलिड बना दिया और प्रेमाइसिस को बोला ट्रू है, तो फिर कॉन्क्लूजन क्या होगा ये लिखने की जरूरत ही नहीं है. इट इज वेरी वेल अंडरस्टूड.
और आप यहाँ पे ऊपर तीन कंडीशन की जगह दो कंडीशन लिख दीजिए, है ना, कि एन आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड साउंड इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग टू कंडीशंस, ठीक है, और ये दो कंडीशन लिख दीजिए, ठीक है ना, तो दैट विल ऑल्सो मेक योर आंसर परफेक्ट, ठीक है। तो हमारी समरी में क्या है आज के लिए, एक इनवैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर्म जो है ये पॉसिबल कब होता है, जब देखिए एन इनवैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर्म इज वन वेयर इट इज पॉसिबल फॉर द कंक्लूजन टू बी फॉल्स इवन इफ प्रेमाइसेस आर ट्रू, ये चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, वैलिड आर्ग्यूमेंट ऑन द अदर हैंड इज दैट आर्ग्यूमेंट फॉर्म वेयर इट इज इम्पॉसिबल फॉर द कंक्लूजन टू बी फॉल्स इफ द प्रेमाइसेस आर फॉल्स। तीसरा, ए वैलिड आर्ग्यूमेंट मे हैव फॉल्स प्रेमाइसेस एज वेल एज फॉल्स कंक्लूजन, मैं इसके एग्जांपल्स दूंगा आपको, ठीक है, आप खुद भी ढूंढ सकते हैं पर मैं आपको एग्जांपल्स भर भर के दूंगा इन सब चीजों पे। हाउएवर इफ इट हैज ट्रू प्रेमाइसेस देन द कंक्लूजन हैज टू बी ट्रू एज वेल, अगर प्रेमाइसेस ट्रू है तो कंक्लूजन को ट्रू होना पड़ेगा। ए साउंड आर्ग्यूमेंट इज अ पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंस ऑफ एनी वैलिड आर्ग्यूमेंट विच मेक्स द प्रेमाइसेस ट्रू एंड कॉन्सिक्वेंटली द कंक्लूजन इज ट्रू एज वेल। साउंडनेस, अच्छा ये चीज थोड़ा सा समझ लीजिए, सफिशियंट कंडीशन क्या होता है और नेसेसरी कंडीशन क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? ये नेसेसरी और सफिशियंट, नेसेसरी और सफिशियंट बहुत हम यूज करते हैं, नेसेसरी कंडीशन क्या है, सफिशियंट कंडीशन क्या है? यहां पे आप स्टेटमेंट भी देख सकते हो, वैलिडिटी इज अ सफिशियंट कंडीशन, साउंडनेस इज अ सफिशियंट कंडीशन फॉर वैलिडिटी वेयर एज वैलिडिटी इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर साउंडनेस। क्या मतलब हुआ? कोई बताएगा? सर नेसेसरी होगी, हमें जरूरत है उन कंडीशंस की, और सफिशिएंट होगी कि हमें वो कंडीशन पूरी प्रोवाइडेड है, हमें इससे हमारा काम चल जाएगा। जरूरी है और काम चल जाएगा, कैन यू इलैबोरेट? ठीक बोल रहे हो लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे? और सर नेसेसरी मींस सर हमें इन कंडीशंस के बगैर हमारा काम, मतलब जो हमारा वर्क है वो कंप्लीट नहीं होगा। और सब एक एग्जांपल देके बताओ अगर तो मुझे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा या क्लास के बच्चों को भी समझ में आएगा। एग्जांपल दे सकते हो नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन का? सोचो, कोई भी सोचो, सिर्फ उसी बच्चे से बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी बता सकता है, कोई एग्जांपल बताओ नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन का। आपको भी क्लैरिटी होगी, सारे लोगों को। सर जैसे हमारे बाइक में जैसे हम लोग पेट्रोल का यूज करते हैं तो पेट्रोल तो नेसेसरी है तो बाइक रन करेगा, लेकिन उसका कितना अमाउंट है वो थोड़ा सा भी होगा तो सफिशिएंट हो जाएगा मतलब रन करने के लिए। ये अच्छा एग्जांपल नहीं, आपने एग्जांपल बनाने की कोशिश करी लेकिन अच्छे से नहीं बना। और सोचो। अच्छा सर ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर कोई इंजीनियर है, ठीक है, आप में से ज्यादातर लोग जो हैं 2024 में बनेंगे कि 23 में बनोगे इंजीनियर? 24 में बनेंगे। मैं ज्यादातर इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग शायद, है ना, एनीवेज ऐसे मुझे लगता है सारे लोग बन जाएंगे, तो चलिए आप सारे लोग इंजीनियर बन गए 2024 में, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूं 12th बोर्ड इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग इज अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर 12th बोर्ड, तो आप बात समझ पा रहे हो? नहीं सर। देखिए अगर कोई इंजीनियर है तो वो 12वीं पास है, ये समझ में आता है? अगर कोई इंजीनियरिंग कर भी रहा है तो वो 12वीं पास है, ये तो है 100%, है ना। अच्छा तो अभी आप लोग अपने आप से देख लीजिए, जैसे आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हैं, तो 12th बोर्ड वाज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर परस्यूइंग इंजीनियरिंग, लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इट इज अ सफिशियंट थिंग और सफिशियंट कंडीशन से आपको हो सकता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इट्स सफिशियंट टू से दैट यू आर अ 12th बोर्ड पास्ट person,
इसका मतलब, हाँ इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इट इज ऑलवेज सफिशियंसी विच इम्प्लाइज नेसेसिटी। मतलब अगर कोई इंजीनियर है तो वो 12th बोर्ड क्लियर किया हुआ है ना, तो ई इम्प्लाइज जो है 12th बोर्ड होगा, है ना, इंजीनियर जो होगा वो 12th बोर्ड पास किया है। लेकिन अगर किसी ने 12th बोर्ड पास किया है तो वो आगे चल के इंजीनियर बनेगा कि नहीं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये नेसेसिटी जरूर है कि अगर आप 12th बोर्ड पास नहीं करेंगे तो आपको कोई भी इंजीनियरिंग में एडमिशन ही नहीं देगा। हाँ, उसके बाद वो आपको और भी कुछ कुछ चीजें करनी पड़ती है, तब जाके आप इंजीनियरिंग करते हो, या कुछ लोग दूसरी फील्ड्स चूज कर लेते हैं, एंड सो ऑन। तो जो सफिशियंसी होती है ना, इट इम्प्लाइज नेसेसिटी, और नेसेसिटी इज गेटिंग इम्प्लाइड बाय सफिशियंसी। इन चीजों के बारे में भी मैं बताऊंगा। अभी देखो यहाँ पे इस स्टेटमेंट से देख लो, साउंडनेस इज अ सफिशियंट कंडीशन फॉर वैलिडिटी। इसका मतलब है अगर कोई आर्ग्यूमेंट साउंड है तो वो वैलिड होगा, लेकिन वैलिडिटी इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर साउंडनेस। इसका मतलब है कि वैलिडिटी वन ऑफ द कंडीशंस है जिसको सेटिस्फाई करके आर्ग्यूमेंट साउंड बन सकता है, लेकिन साउंड बन नहीं जाएगा, है ना। लेकिन अगर कोई आर्ग्यूमेंट साउंड है तो फिर जो है वो वैलिड होगा ही होगा, और कोई आर्ग्यूमेंट अगर वैलिड है तो ये उसकी प्रथम या एक नेसेसरी कंडीशन है जिसको कि वो फुलफिल करता है, ये सफिशिएंट नहीं है। अगर कोई चीज नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होती है तो वो इक्विवेलेंट होता है। जैसे इक्विलेटरल इज अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स। तो कोई भी इक्विएंगुलर ट्रायंगल होगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी होगा, और कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा वो इक्विएंगुलर ट्रायंगल भी होगा। अगर इस चीज को समझ पाओगे तो आपको समझ में आएगा नेसेसिटी एंड सफिशियंसी इज इक्विवेलेंट टू इक्विवेलेंस, और नेसेसिटी जो है वो एक कंडीशन सेटिस्फाई करना है, और सफिशियंसी जो है वो इम्प्लाई करना है। हालांकि इन पे और बात करेंगे और एग्जांपल्स देंगे, बट अभी फॉर द टाइम बीइंग जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कैसे चीजों को समझना पड़ता है या समझना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया। ये देखिए नीचे लाइन लिखी भी हुई है, इन अदर वर्ड्स ऑल साउंड आर्ग्यूमेंट्स आर वैलिड बट नॉट ऑल वैलिड आर्ग्यूमेंट्स आर साउंड, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चल, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, एनीथिंग, प्लीज गो ऑन टू आस्क।